हेलो दोस्तों, जो हमारा कल शेष भाग छूट गया था वो शेष भाग मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस दुनिया में हम कभी भी सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से भी हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर प्रदर्शनी में तमाशा देखने जाता है। उसे प्रदर्शनी में हर वस्तु बड़ी ही सुंदर अच्छी मालूम देती है। तभी बिजलियां जल रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि है खुशी उसे प्रदर्शनी के साज सामान से मिल रही है। लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखे मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि प्रदर्शनी के वे सब साज समाज वहीं के वहीं हैं, फिर बच्चा महसूस करता है कि वह प्रदर्शनी में खुशी उतनी देर तक ही पा सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लिव उस मालिक की ओर रहती है। इसलिए महात्मा हम सबके अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हरि की पूजा दुर्लभ है, संतु कहड़ा कछु न जाई। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। ये शक्लें और ये पदार्थ हमारी भक्ति और प्रीति के योग्य नहीं, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले जाती है। मालिक की भक्ति और प्यार भी हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी बयान ही नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा वापस जाकर हम मालिक ही बन जाते हैं। भीखा जी फरमाते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, ग्रह खोलना जान ही, ताते भय कंगाल। परमात्मा एक है। सब महात्माओं का यही अनुभव है कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और या सिखों व ईसाइयों का कोई और है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, एक पिता एकस के हम वारिस। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शबना जिया का इकु दाता। शेख सादी जी कहते हैं कि बने आदम अजाय यह दीगर अंज, जोदर अफ्रीशन जी एक जौहर अंध। अर्थात जब मनुष्य एक ही स्रोत से निकले हैं और एक दूसरे के भाई हैं, जितने भी दुनिया के जीव हम देख रहे हैं उन सबको पैदा करने वाला एक ही परमात्मा है। मुसलमान फकीर उस परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहकर याद करते हैं कि सारे संसार का एक ही परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। यह नहीं कि पहले कोई और परमात्मा था या अब कोई और है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जग जीवनु साचा एको दाता। सारे जग को जीवन देने वाला एक ही दाता है और वह हमेशा सच्चा है। अर्थात वह जन्म मरण से रहित है। जपूजी साहेब के शुरू में ही गुरु नानक साहेब बड़ी अच्छी तरह से वर्णन करते हैं, ओ सतनामू करता परखु, आदि सचु जुगादु सचु है। जो सृष्टि के आदि से युगों के आदि से सच ही चली आ रही है, अर्थात जो कभी नष्ट या फना नहीं होती, वह एक परमात्मा है। उस मालिक के अलावा जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं उसको नष्ट या फना हो जाना है। कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं है। गुरु साहिब आदि ग्रंथ में फरमाते हैं कि हमारा यह शरीर भी कूड़ और नाशवान है और इसके अंदर बैठकर जिस दुनिया को हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ प्यार किए बैठे हैं, यह भी कूड़ है। दुनिया में कोई भी चीज हमारी दोस्ती के योग्य नहीं सिवाय उस परमात्मा के, क्योंकि उसके सिवाय हर एक चीज नाशवान है। सिर्फ एक मालिक ही की जो हमेशा रहता है। जाति और धर्म, उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब या मुल्क नहीं है, ना ही उस मालिक की कोई जाति या रंग रूप है। अगर हम महात्माओं की बाणियों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो पता लगेगा कि वे हमारे विचारों को जात पात, कौम, मजहब
व मुल्क के भेदभावों से ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक और प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, वर्णो जाति चिन्हु नहीं, कोई शबु हुक्मे सृष्टि उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है, तो हमारी आत्मा की जो उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा से ही निकलती है और वापस जाकर उसमें ही सामना चाहती है। कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जाति नहीं है, तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम या मजहब नहीं है, तो एक मामूली किरण की कौन सी कौम है, कौन सा मजहब हो सकता है? ये सब जात पात के झगड़े मनुष्य के अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ मनुष्य पैदा किए हैं। हम अपने आप को जात पात, कौम, मजहब व मुल्कों के छोटे छोटे दायरों में बांट रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।